सो गाइस रामनवमी के अगले दिन की जो मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग थी उस दिन मैं तो पूरी रात यार सोई ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोई, ठीक है, क्योंकि बाहर जाना था तो तैयारी करनी थी और कपड़े भी फैले पड़े थे, तो आपको पता ही है मेरे कपड़े तो हमेशा फैले ही पड़े रहते हैं, और बस वही कपड़े वपड़े समेटने में पूरी रात मतलब मेरी निकल गई। और खाना वाना भी बनाना मतलब ये लगा लो आप, सीरियसली बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी पूरी रात मैं लेटी ही नहीं। और हम अगली सुबह निकल गए थे, अभी मैं आपको बताती हूँ कहाँ निकल गए थे। तो ये बस मैंने गाड़ी में ना ये सब कुछ थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, और देख लो सब गए हुए थे, मतलब मम्मी पापा बच्चे, सारे बच्चे नहीं सिर्फ हनी गए थे और दीदी के बच्चे दीदी। तो गाड़ी में बड़ा रिलैक्स होके बैठे हुए थे खुले खुले आराम से, और देख लो यार मैं तो ना बिल्कुल भी रात भर सोई नहीं थी, तो थकावट इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो बस हम लोग सुबह निकल चुके थे और हम जा रहे थे, मैं आपको बता देती हूँ, बाबू के मुंडन के लिए। तो भाई जल्दी जल्दी में ना देखो साड़ी भी देख लो कितनी भद्दी मतलब प्लेटें वगैरह सब निकलती है, पिन विन सब ऐसी तैसी हो रखी है मेरी। तो बस ये मैं सबसे लास्ट वाली सीट पर ना मैं उसके पापा एंजल बैठे हुए थे, बाबू था सो फाइनली नाउ हम पहुंच चुके हैं भोगपुर वाली माता के। तो हमारे जो बच्चों के मुंडन होते हैं ना वो यहीं पर उतरते हैं भोगपुर। तो बस अंदर ना बहुत सारी दुकानें थी और गाने बज रहे थे माता रानी के बहुत जोरों शोरों से, तो अंदर जाके बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता, तो मैं ज़्यादा कुछ अंदर नहीं बोल पाती, इसीलिए मैंने बाहर से ही जो कुछ भी रिकॉर्ड किया। और मैं आपको ना आगे ना मंदिर एकदम क्लियरली फ्री होके सारा कुछ फिर अलग से भी मैंने रिकॉर्ड करने गई थी, तो आप आगे देखना बहुत ही सुंदर मंदिर है। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, और हम आए हैं यश का मुंडन कराने के लिए और अब हम जा रहे हैं, तो आगे का जो भी होगा जैसे भी होगा मैं आपको। यहाँ बहुत शोर शराबा हो रहा है, आपको यहाँ का मेला दिखा। गाड़ी में ना बच्चों ने तो मतलब बच्चों ने क्या बाबू ने खास कर ना चढ़ चढ़ के ना मेरे को, अब वो थोड़ा वही अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, तो साल भर का तो हो ही जाएगा जून में, तो अब मतलब वो बैठता ही नहीं है, गोदी में टिकता ही नहीं है उसको, तो बस ये है कि मेरे को छोड़ दो मुझे चलना है। और उसने मेरी तो साड़ी पहली बात तो जल्दी जल्दी में इतनी ज़्यादा मतलब बेकार ही बंधी थी, ऊपर से बाबू ने भी बैठ बैठ के बार बार और एंजल ने इधर उधर करके ना मेरी साड़ी पूरी ख़राब कर दी। और यहाँ पे ना हम अंतर मंदिर पहुँच चुके हैं, तो बाहर छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे हुए थे और ये पूजा के प्रसाद के स्टॉल्स थे वहाँ पे, और ये बस बाहर मंदिर के बाहर दुकान थी काफ़ी, मतलब यहाँ पे मतलब मेला वेला काफ़ी अच्छा लगता है, तो ये छोटे छोटे से स्टॉल्स थे जो खाने पीने के थे। तो बस हम यहाँ पे वही बाबू के मुंडन के लिए पहुँच गए थे अंदर दर्शन वगैरह करने के बाद। दर्शन की ना हम सब की मैंने नहीं रिकॉर्ड करी थी सच बताऊँ तो, क्योंकि मैंने कहा मैं फ्री होके पर्सनली मैं जाऊँगी उसके बाद मैं अच्छे से रिकॉर्ड करूँगी। और यहाँ पे ना बाबू बड़ा रो रहा था, हाँ उसके बाल गीले हुए थे ना, तो मतलब वो चिड़चिड़ा था बहुत है कि उसको पकड़ लेता है कोई, तो ऑब्वियसली यार सब बच्चों के साथ ऐसे ही होता है पर ये थोड़ा ज़्यादा ही चिड़चिड़ाता है, तो रो रहा था और मेरे को धक्का मार रहा था पीछे की तरफ ना, मतलब मेरे को ही गिराने पे लगा होता है। एक तो ना मैं ईंट पर बैठी हुई थी तो दीदी ने तो ना दो ईंट कर ली थी थोड़ी सी ऊँची, आप पर भैया ना मैं सीट मतलब बैठ चुकी थी बाबू को लेके, तो मैं क्या उठती, तो मैंने उसको बहुत टाइट से पकड़ लिया था पर वो मेरे को बार बार धक्का मारे जा रहा था, तो मेरे को ये था कि मैं भी गिर जाऊँ। और ना मेरे को उसको देख देख के ना बड़ा थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा था कि यार उसके मतलब बाल निकल जाएंगे, इतना हैंडसम लगता है वो, इतना क्यूट लगता है, तो अंदर से मतलब मेरे को फील भी हो रहा था, पर वो ये है कि ज़रूरी होता है ये मुंडन भी, तो मेरे लिए बहुत ही थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था ये, और एंजल के टाइम पे भी था। और एंजल की वीडियो मेरे पास रखी है, अगर आप लोग बोलोगे ना
तो मैं कभी उसके मुंडन की वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सो यहाँ पे बस उसको बहुत ही मतलब मेरे को डर भी लग रहा था क्योंकि वो हिल रहा था ना बार बार। एक बार को तो ना वो नींद में भी हो गया था ये देखो सो भी गया है वो। और मम्मी ने ना बाहर मेरे को मतलब पीछे से टेक लगा लिया था कि मतलब मैंने कहा गिर ना जाए, तो इसलिए मेरे को उन्होंने पीछे से टेक लगा लिया था, खड़ी हो गई थी वो कि ना गिरे। और यहाँ उसका मुंडन हो गया था तो कहते हैं कि बुआ हाथ में लेती है, तो वही दीदी ने बस पूड़ी वगैरह ले रखी थी हाथ में, उसमें उसके बाल लिए थे। और यहाँ मैं आपको ना मंदिर दिखाने आ गई थी, सब बैठ गए थे जाके ना बाहर अपना जगह बनाकर। और ये मंदिर है वहाँ का जो मैंने जाके रिकॉर्ड किया अलग से। तो बस इस तरीके से सामने ही हम फ्रंट पे बैठे हुए थे और यहाँ मतलब बस ऊपर चढ़ते हैं और सामने एकदम फ्रंट पे ही माता का जो भी है मतलब दर्शन का वो स्थान है। अंदर में भी आपको माता के दर्शन भी कराऊंगी, तो प्लीज़ कमेंट में ना जय माता दी ज़रूर लिख देना। और मतलब बहुत ही ज़्यादा ना रिलैक्स फील होता है। और यहाँ ना यार बहुत ज़्यादा ना मधुमक्खियाँ इतनी उड़ती है ना, बट मजा ले आपको काट भी जाए, सीरियसली मैं बता रही हूँ आपको। जैसे यहाँ पे होता है ना कि मतलब दूर से एकदम मधुमक्खियाँ पीछे पड़ जाती है, डंक मार देती है, सो जाता है। सीरियसली बता रही हूँ यार, ये चीज़ तो मैंने ना यहाँ इस मंदिर में देखी है कि इतनी सारी मधुमक्खियाँ थी ना, क्योंकि यहाँ पे हम प्रसाद चढ़ाते हैं ना तो मधुमक्खियाँ यहाँ पे मतलब भिन्नाती रहती हैं। तो मज़ा लगे कि आपको काट भी जाए या डंक मार दे या कुछ भी समथिंग। और यही बस मंदिर के बैक साइड पे इन्होंने अब मुंडन का स्पेस दे दिया था, नहीं तो पहले तो ना मतलब बाहर ही होता था मुंडन, बट यहाँ पे अब क्या है कि पीछे पहले खाली करके और अब मुंडन का स्पेस बना दिया गया। अब सबके जो भी मुंडन वगैरह होते हैं, जो भी काम करवाने होते हैं, अब सीधा जाके बैक साइड में आप करवा सकते हैं। तो बस भीड़ भाड़ थी आगे, भैया लोग दर्शन कर रहे थे, मैंने तो दर्शन कर लिए। दोबारा मेरे को आप लोगों को रिकॉर्ड करने की वजह से दोबारा माता के दर्शन करने को मिले, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये सामने सामने भी ये मतलब यहाँ पे छोटा सा शिवलिंग भी रखा हुआ था, माता की मूर्ति थी। और आप देख लो ना ये जो जितना भी आपको काला काला ये सब दिख रहा है ना, मोटी मोटी मधुमक्खियाँ हैं। और मैं बाहर आ गई थी और एक छोटी सी जगह पे यहाँ पे पतवारी का भी मतलब माता की पतवारी भी बनी हुई थी, वो एक्चुअली क्लिप डिलीट हो गई है तो मैं नहीं डाल पाई। और देखो वहाँ पे ना मम्मी वगैरह बैठे हुए थे, हम ना बस अभी यहाँ पे ऐसे ही बैठ गए थे क्योंकि पापा वगैरह और विक्की ना खाना लेने गए हुए थे, तो ये लोग खाना लेने गए थे तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे बस बच्चों के लिए। उसके बाद फिर हमने जगह वगैरह बना के खाना खाया और मैं कोरे आलू बना के लेके गई थी, मम्मी ने करेले बनाए थे, मिर्ची छोंक दी थी और हमें मतलब पूड़ी वूड़ी बना दिया था। तो बस सबने पेट भर के जो भी है खाना वाना खाया और उसके बाद हम लोग निकल गए थे गंगा जी, कचला गंगा जी, जिसको पता होगी वो प्लीज़ मुझे कमेंट में हाँ लिखना। और उसके बाद हमने वहाँ पे बस बहुत सारी मस्ती करी बच्चों ने और हम सब ने बहुत मस्ती करी, सीरियसली बहुत इन्जॉय किया। और ये था मुंडन का फर्स्ट पार्ट था, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। और ये ना हम मतलब जहाँ नहाने के लिए जा रहे थे ना, तो वहाँ से बोटिंग से जाते हैं क्योंकि नदी है तो इसीलिए, तो ये बोटिंग से जाना पड़ता है। और ये सो माई लवली पीपल्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और कमेंट में प्लीज़ मुझे जय माता दी ज़रूर लिखना। और कैसा लगा व्लॉग ये भी बताना मुझे। और बाबू का मुंडन पार्ट 2 जल्दी मिलेगा, तो मिलते हैं उस व्लॉग में। बाय।